भाई तुम सभी लोग ना बहुत ही ज्यादा लगी हो। हाँ यार, बहुत तेज किस्मत है तुम्हारी। मगर क्यों? क्योंकि भाई तुम सभी लोगों ने आज के इस वीडियो में क्लिक किया है। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में आप लोगों को OB42 अपडेट के एडवांस सर्वर के बारे में बताने वाला हूँ। हाँ यार, आज मैं आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप लोग OB42 अपडेट के एडवांस सर्वर को डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और OB42 एडवांस सर्वर को खेल सकते हो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई, आज तुम लोगों को अपडेट का एडवांस सर्वर मिलेगा। और तो फिर बस इतना ही नहीं, आज मैं आप लोगों को OB42 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर होने वाले काफी सारे चेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, आप लोगों को पता ही होगा, जब भी हमारा कोई भी OB अपडेट आता है तो उस अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर काफी सारी नई नई चीजें ऐड होती हैं, काफी सारे चेंजेस होते हैं। तो उन्हीं सब चेंजेस वगैरह के बारे में आप लोगों को आज की वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। फिर तो गाइस, इसके बाद आज की वीडियो में और भी काफी सारा एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। एंड हाँ भाई, मैं तो तुम लोगों को बताना ही भूल गया, हमेशा की तरह यार आज भी मैंने आप लोगों के काफी सारे फनी फनी कमेंट्स को पिक कर रखा है। तो इसलिए गाइस, एक तरीके से देखा जाए तो यार आज का वीडियो रहने वाला है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ भाई, वीडियो तो आज का छोटा सा है, बट वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन एकदम कूट कूट के भरा है और उस इन्फॉर्मेशन के अंदर आप लोगों के फनी फनी कमेंट्स का एंटरटेनमेंट वाला तड़का भी है। इसलिए तो यार अभी तो हम लोग आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो चलो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं OB42 अपडेट के कुछ चेंजेस के बारे में। हाँ तो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को कैरेक्टर के अंदर होने वाले चेंजेस के बारे में बताता हूँ, क्योंकि यार हर बार की ही OB अपडेट में हमारे गेम के अंदर काफी सारे कैरेक्टर की एबिलिटी चेंज होती है। कुछ कैरेक्टर को इम्प्रूव किया जाता है और कुछ कैरेक्टर को बर्बाद किया जाता है। तो इसी तरीके से गाइस, इस बार के OB42 अपडेट में जिस कैरेक्टर को बर्बाद किया जाना है वो है हमारा ओरियन कैरेक्टर। हाँ गाइस, आप लोगों को पता होगा यार, ओरियन कैरेक्टर अभी के टाइम पे काफी ज्यादा ओवर पावर्ड साबित हो रहा है। बट गाइस, इस बार के OB42 अपडेट के बाद ओरियन कैरेक्टर की एबिलिटी में कुछ चेंजेस होंगे और गाइस ओरियन कैरेक्टर को थोड़ा सा बेकार बना दिया जाएगा। मुझे पता है गाइस, अपडेट के बाद ओरियन कैरेक्टर की एबिलिटी बेकार की जा रही है सुन के आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लगा होगा। बट गाइस, क्या आप लोगों को पता है कुछ कैरेक्टर की एबिलिटी इंप्रूव भी होने वाली है। जैसे कि गाइस, जो हमारे गेम के अंदर अभी के टाइम पे फीमेल कैरेक्टर अवेलेबल है निकिता, अपडेट के बाद इस कैरेक्टर की एबिलिटी में काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कि गाइस देखो, अभी के टाइम पे जो निकिता कैरेक्टर की एबिलिटी है वो ये है कि गाइस निकिता कैरेक्टर 20% रिलोड स्पीड बढ़ा देता है। साथ ही साथ यार, जो आप लोगों की SMG गन होगी उसके जो लास्ट के 15 बुलेट होंगे वो एनिमी को 30% ज्यादा डैमेज देते हैं। तो भाई ठीक है यार, अभी इसकी एबिलिटी इतनी बुरी भी नहीं है, बट अपडेट के बाद गाइस इसकी एबिलिटी बहुत बहुत तगड़ी होने वाली है। जैसे कि गाइस देखो, सबसे पहला जो इंप्रूवमेंट है निकिता कैरेक्टर की एबिलिटी में वो ये है कि गाइस, जब भी आप लोग इस कैरेक्टर को यूज करोगे एंड सामने किसी भी बंदे को नॉक करोगे तो आप लोगों के जो एमओ होंगे वो खुद ही खुद रिलोड हो जाएंगे। जी हां गाइस, मान लो कि आप लोग 1v2 या फिर 1v4 क्लच कर रहे हो तो आपने एक बंदे को सीधा नॉक करा तो भाई आप लोगों को दूसरे बंदे को मारने के लिए रिलोड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ही आप लोगों के एमओ फुल हो जाएंगे। कसम से यार, बहुत तगड़ा चेंज है, क्योंकि यार ये चीज मेरे साथ काफी बार हो रखी है, मैं रिलोड करने के चक्कर में मर जाता हूं। हां यार, मान लो कि जैसे सामने से एनिमी आता है, मैं एक एनिमी को तो नॉक कर देता हूं बट जब तक मैं रिलोड कर रहा हूं तो तब तक दूसरा एनिमी आके मार देता है। बट भाई अपडेट के बाद ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं, एक को नॉक करो तब तक गन भी रिलोड हो जाएगी। साथ ही साथ गाइस, निकिता की एबिलिटी में एक और चेंज होने वाला है। वो चेंज ये है कि गाइस, जैसे ही आप लोग निकिता कैरेक्टर को यूज करके किसी भी बंदे को डैमेज करोगे और यार वो डैमेज के बाद हील करने का ट्राई करेगा तो भाई सामने वाले बंदे की हीलिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। जैसे कि गाइस, मान लो मेडिकेट खाने में 2 सेकंड लगते हैं तो उसको मेडिकेट खाने में 3 सेकंड लगेंगे, और अगर वो बोन फायर भी जलाएगा तो बोन फायर भी धीरे धीरे ही उसके HP और EP को इंक्रीज करेगा। ओवरऑल गाइस, हीलिंग स्लो होने वाली है। ऑलराइट गाइस, यही थे वो चेंज जो कि निकिता की एबिलिटी में होने वाले हैं। उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये चेंजेस पसंद आए होंगे। बाकी तो गाइस, अभी तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग एक और कैरेक्टर एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, तो गाइस देखो, आप लोगों को पता होगा कई सारे OB अपडेट के बाद हम लोगों को हमारे गेम के अंदर अवेकन कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। जैसे कि भाई अभी के टाइम पे कैली का अवेकन अवेलेबल है, हयातो का अवेकन अवेलेबल है, एंड्रयू का अवेकन अवेलेबल है, मोको का अवेकन अवेलेबल है। साथ ही साथ यार, हम लोगों को आलोक का भी अवेकन देखने को मिलता है। बाकी हाँ, हो सकता है मैं एक दो कैरेक्टर को मिस कर रहा हूँ, मुझे बस यार अभी इतने कैरेक्टर याद आ रहे हैं जिनका अवेकन होता है। बाकी तो खैर गाइस देखो, इस बार का जो हमारा OB42 अपडेट है, इस अपडेट के बाद एक और कैरेक्टर का अवेकन होने वाला है और यार इस बार जिस कैरेक्टर का अवेकन हो रहा है वो कैरेक्टर है वुकोंग। हाँ भाई, OB42 अपडेट के बाद हम लोगों को वुकोंग का अवेकन कैरेक्टर देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा फ्रोजन वुकोंग। बाकी गाइस, अभी तक ना तो मुझे फ्रोजन वुकोंग का लुक मिला है और ना ही इसकी एबिलिटी के बारे में पता चला है, तो आप लोग गाइस थोड़ा सा वेट करो, जैसे ही मुझे इस अवेकन वुकोंग के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के जरूर बताऊंगा। तो बाकी तो गाइस, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को OB42 अपडेट के कुछ कैरेक्टर के चेंजेस के बारे में बता चुका हूँ, इसलिए तो गाइस अभी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गाइस अभी हम लोग आज के इस वीडियो को थोड़ा सा फनी और थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस देखो, यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला कमेंट है, इस कमेंट में ही बंदे ने लिखा है, दिल दिया था जिसको दीवानी समझ कर खा गई वो बिरयानी समझ कर, दिल दिया था जिसको दीवानी समझ कर खा गई वो बिरयानी समझ कर, एक कतरा भी ना छोड़ा खून का, पी गई उसको भी नींबू पानी समझ कर।
भाई ये कमेंट पढ़ के तो लग रहा है तुम्हारा बहुत ही बुरा वाला कट है। खैर अभी तो गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले कमेंट के बारे में। हाँ तो भाई यहाँ पर इस कमेंट में ये बंदा लिखता है, एक बार अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता दो उसको लेकर भाग जाऊंगा, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। सच में भाई इस कमेंट के लिए मेरे पास कोई भी अल्फाज नहीं है भाई, ये बंदा सीधा सीधा बोल दे रहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताओ मैं उसको लेकर भाग जाऊंगा। खैर अभी गाइस देखो कल के कमेंट से मुझे बहुत सारे बंदों ने कुछ सवाल भी पूछे थे तो अभी मैं उन्हीं सवालों का जवाब देता हूँ। हाँ तो गाइस देखो सबसे पहले यहाँ पर मुझे ये बंदे ने कमेंट करके पूछा था, भाई आप गर्लफ्रेंड कब बनाओगे। वाह भाई वाह क्या सवाल है, बट अब सवाल है तो इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। हाँ तो भाई मैं तब गर्लफ्रेंड बनाऊंगा जब मेरे पास पैसा होगा। जी हाँ गाइस अभी मेरे पास गर्लफ्रेंड इसीलिए नहीं है क्योंकि देखो पैसा नहीं है हमारे पास। हाँ तो खैर गाइस अभी पैसा वैसा छोड़ो, अभी हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जिस क्वेश्चन में सृष्टि ने लिखा है, भाई आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है। मेरे तो 5-5 बॉयफ्रेंड है। इमोशनल डैमेज भाई कसम से यार ये तो बहुत ही खतरनाक इमोशनल डैमेज था। मेरी यहाँ एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है और सृष्टि के 5-5 बॉयफ्रेंड हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। खैर अभी हम ना तो कुछ बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम लोग सीधा अगला कमेंट पढ़ते हैं। जिस कमेंट में बंदे ने लिखा है, भाई आपकी कॉलेज में गर्लफ्रेंड कितनी है। 7 करोड़। हाँ भाई 7 करोड़ गर्लफ्रेंड है, एक जो तुमको चाहिए तो बताओ भिजवा देता हूँ। तो फिलहाल तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन में अगला कमेंट देखो। मैं आपको बताऊँ तो गाइस ये कमेंट जिस बंदे ने किया था कल की वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट इसी बंदे के हैं। और यार इस बंदे ने अपने हर एक कमेंट में लिखा था, उज्जवल भाई मेरा कमेंट स्क्रीन में दिखा दो प्लीज भाई। इसलिए तो गाइस देखो अभी मैंने बंदे कमेंट स्क्रीन में दिखा दिया है। बाकी हाँ अभी हम लोग आज के इस कमेंट के सिलसिले को यहीं पर ही एंड करते हैं। आप लोग चिंता मत करो गाइस कल मैं बहुत सारे कमेंट्स पिक करने वाला हूँ। इसलिए गाइस अगर अभी आप लोग चाहते हो कि कल की वीडियो में आप लोगों का कमेंट भी पिक करूं और उसका रिप्लाई भी दूं, उसके लिए तो गाइस जल्दी से आप लोग आज की वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड क्योंकि भाई मैं अपने सब्सक्राइबर्स का कमेंट पिक करता हूं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर बस यार आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट्स करने हैं। और हाँ गाइस कमेंट करते समय आप लोग ध्यान देना, मुझे यार डेली 1000 से 2000 कमेंट आ जाते हैं, इसलिए भाई आप लोग कम से कम 6-7 कमेंट तो कर ही देना। क्योंकि भाई आप लोग जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि मुझे आप लोगों का कमेंट दिखे और मैं उसे पिक कर सकूं। तो ऑलराइट गाइस अभी आप लोग कमेंट्स कर देना, तब तक के लिए तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और गाइस अभी हम लोग बात करते हैं हमारे फ्री फायर के OB42 अपडेट के एडवांस सर्वर के बारे में। जी हाँ तो गाइस देखो अभी मैं आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे आप लोग OB42 अपडेट का एडवांस सर्वर ले सकते हो। जी हाँ तो गाइस देखो एडवांस सर्वर के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को अपने क्रोम ब्राउजर पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है फ्री फायर एडवांस सर्वर। एंड यार जैसे ही आप लोग फ्री फायर एडवांस सर्वर सर्च करोगे आप लोगों के सामने सबसे पहले जो है गरीना की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी जिसमें गरीना का लोगो लगा होगा और लिखा होगा फ्री फायर एडवांस। आप लोगों को इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। एंड फिर गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पर लिखा होगा लॉग इन फेसबुक और लॉग इन गूगल। तो देखो गाइस यहाँ पर आप लोगों की मर्जी है, आप लोग फेसबुक से भी लॉग इन कर सकते हो, बट मैं तो यार यहाँ पर गूगल से लॉग इन करूंगा। एंड यार जैसे ही आप लोगों का लॉग इन कम्प्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों से एक एक्टिव ईमेल मांगा जाएगा। जी हाँ गाइस यहाँ पर आप लोगों को अपना कोई सा भी मेल आईडी डाल देना है। एंड जैसे ही गाइस यहाँ पर आप लोग अपना मेल आईडी डाल दोगे तो आप लोगों को नीचे दिए गए ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक करना है और बस गाइस आप लोगों का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड यार यहाँ पर लिखा आएगा थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, फिर गाइस एक बार आप लोग इसको रिफ्रेश कर लेना एंड आप लोगों के सामने एक कोड भी लिखा हुआ आ जाएगा जिस कोड का आप लोग यहाँ पर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं ये जो कोड है ये फ्री फायर के एडवांस सर्वर का एक्टिवेशन कोड है। इस कोड के बिना आप लोग फ्री फायर के एडवांस सर्वर को खेल नहीं सकते हो। जैसे ही तुम लोग फ्री फायर का एडवांस सर्वर डाउनलोड करोगे तो आप लोगों से ये एक्टिवेशन कोड मांगा जाएगा एंड जब आप लोग एक्टिवेशन कोड डालोगे तभी जाके आप लोगों का फ्री फायर का एडवांस सर्वर ओपन होगा। तो ऑलराइट गाइस क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को फ्री फायर एडवांस सर्वर का एक्टिवेशन कोड निकालना सिखा दिया है तो अभी हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप लोग फ्री फायर का एडवांस सर्वर डाउनलोड कर सकते हो। तो इसलिए तो गाइस देखो मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर एक डाउनलोड एपीके का ऑप्शन दिया गया है जो कि अभी के टाइम पे एकदम ब्लैक कलर का होगा। और गाइस ये ब्लैक कलर का इसलिए है क्योंकि अभी आप लोग फ्री फायर के एडवांस सर्वर को डाउनलोड नहीं कर सकते हो। हाँ भाई इस ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर फ्री फायर के एडवांस सर्वर का डाउनलोड 13 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। जी हाँ गाइस 13 अक्टूबर को जब आप लोग इस वेबसाइट को विजिट करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड बटन ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा और तभी आप लोग यहाँ पर से एडवांस सर्वर को डाउनलोड कर पाओगे। बट गाइस क्योंकि तुम लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो तुम लोगों को फ्री फायर के एडवांस सर्वर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए 13 तारीख का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाई देखो मैं आप लोगों को बताऊँ तो गरीना अपने फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम वाले बंदों को एडवांस सर्वर लगभग 2 दिन पहले दे देता है। यानी कि गाइस गरीना कल यानी कि 11 तारीख के दिन फ्री फायर के बहुत सारे पार्टनर प्रोग्राम वाले बंदों को एडवांस सर्वर देगा। और गाइस ये तो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि पार्टनर प्रोग्राम के बंदे मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए गाइस जैसे ही उनको गरीना एडवांस सर्वर का एप्लीकेशन देगा तो वो लोग मुझे एडवांस सर्वर का एप्लीकेशन भेज देंगे एंड फिर गाइस मैं वीडियो बना के आप लोगों को भी फ्री फायर का एडवांस सर्वर एप्लीकेशन दे दूंगा। इसलिए
गाइस देखो, अगर आप लोगों को फ्री फायर का एडवांस सर्वर 13 तारीख से पहले चाहिए तो सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑलवेज सेट कर दो, जिससे कि गाइस जैसे ही मैं एडवांस सर्वर का वीडियो बना के अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।